देखिए मेजरली सबने ही थम्स अप ही दिया है नंबर्स को, और एक दो चीज़ जो आशीष कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि हाँ आरपूस फ्रंट पे थोड़ा से जरूर नीचे आंकड़े देखने को मिले अनुमान से, लेकिन अदरवाइज इंटरनल से बिटवीन द लाइन्स जो नंबर्स हैं वो बेहतर ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम हाउसेज देखेंगे तो मेजरली सबसे बड़ा जो टारगेट है वो मैक्वेरी की तरफ से आया भारती को लेकर, करीब करीब 750 रुपये के आसपास के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। CLSA बाय रेटिंग है 730 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आए हैं। इसके अलावा करीब 685 रुपये का टारगेट सिटी की तरफ से आया है, और साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स और UBS दोनों ने ही रफली 665-655 रुपये के आसपास टारगेट दिया, यानी कि कंसेंसस जो है वो आप 680 के आसपास मान के चल सकते हैं। सबने ये बात साफ की है कि जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो क्रूशियल है, लेकिन सेकेंड हाफ में अब जो आगे कोविड के बाद उनके सब्सक्राइबर एडिशन कैसे रहते हैं, वहाँ पर कितने हद तक ये इनकैश कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ये क्रूशियल होगा वॉच करना। और उसके अलावा IUC नहीं होने की वजह से हाँ थोड़ा सा आरपू पर प्रेशर ज़रूर है, करीब 145 रुपये के आसपास के आरपू है, लेकिन मेजरली ओवरऑल इनलाइन है, और मोबाइल एबिटा थोड़ा सा एक शेड बिलो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन टारगेट सबके ऊपर की तरफ है। मेजर टारगेट जो है वो 750 रुपए के आसपास के हैं। और साथ ही साथ फेडरल बैंक, इन दो नंबर्स पे हाउस व्यूज क्या हैं उनको रीड कर लेते हैं। सुमित बताइए। देख कोलगेट के नंबर्स तो कल मार्केट आर्स में आ गए थे, लेकिन उसके बाद जिनकी कॉल्स हुई और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स आए हैं, मेजरली सबने इसको नंबर्स को ठीक ठाक ही माना और बोला कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में तो बेटर ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए टारगेट्स भी अपग्रेड हैं। करीब 1850 के टारगेट है क्रेडिट स्विस की तरफ से, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, और CLSA भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, करीब 1825 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आए हैं। नंबर्स बेटर साइड पर हैं, और एक रीज़न जो Q4 में अच्छी परफॉर्मेंस का है वो एक एड स्पेंडिंग को रिड्यूस करना भी है, जिसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी ईज आउट होकर आई है, और उसका इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कैसी कमेंट्री है ये पार्ट क्रूशियल रहेगा, और कैसे मार्केट शेयर को रिटेन करते हैं, पिछले क्वार्टर में मार्केट शेयर को इन्होंने रीगेन किया है, तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर है। दूसरा फेडरल बैंक को लेकर सभी ने ही एक सुर में तेजी की बातचीत की है, और असेट क्वालिटी वाले पार्ट को सबने सराहा है, इसीलिए 85 से 86 रुपए के आसपास शेयर अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन सबके टारगेट 100 रुपए और अपर एंड पे 110-115-120 रुपए तक के टारगेट भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिटी की बाय रेटिंग है 100 रुपए का टारगेट, और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी 110 रुपए के टारगेट्स के साथ। ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनकी बेटर बोली जा रही है, अच्छी ग्रोथ है, स्टेडी मार्जिन है, NPS के अंदर फर्दर रिडक्शन है, और साथ साथ सबको लगता है कि कॉस्ट को बहुत मेजरली कंट्रोल किया गया है, इसका इंपैक्ट कंपनी के बॉटम लाइन के ऊपर देखने को मिला है। हाँ थोड़ा अनसर्टेनिटी जरूर है कोविड को लेकर, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस बैंक दे रहा है सबको यह लगता है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड इसको भी इजिली मिटिगेट कर लेगा, इसीलिए दोनों ही रिपोर्ट्स पॉजिटिव साइड पर काउंट की जा रही है, और फेडरल बैंक के ऊपर ज्यादा बुलिश समरी आती हुई दिखाई पड़ रही है। का मानना यह है कि जो रिबेट कट हुआ है यह ऑलरेडी प्राइस इन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह भी है कि डिमांड चाइना से क्योंकि स्ट्रांग है, इसीलिए जो स्टील प्राइसेस है वो फर्दर यहां से ऊपर जा सकते हैं। टाटा स्टील उनके प्रेफर्ड पिक है। जेपी मॉर्गन का भी व्यू यही है कि गोइंग फॉरवर्ड यह होगा कि चाइना नेट इंपोर्टर हो जाएगा स्टील का, क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार घट रहे हैं, डिमांड स्ट्रांग है, तो उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलेगा। और इनफैक्ट जेपी मॉर्गन का तो मानना यह भी है कि मई और जून के दौरान HRC की जो प्राइसेस हैं वो 6000 से 7000 रुपए प्रति टन तक बढ़ भी सकते हैं। तो डिमांड स्ट्रांग है, इसी फैक्टर ने ड्राइव किया है, और यही वजह है कि आज भी स्ट्रांग मोमेंटम इस पूरी पॉकेट में हमने बनते हुए देखा है।